मनासा भाजपा विधायक मारू द्वारा एनसीसी कैडेट और पत्रकारों को 1,000 प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा के बाद नगर का गुलाटी परिवार भी जरूरतमंद लोगों की मदद आगे आया। गुलाटी परिवार ने कृषि उपज मंडी में चल रही भोजनशाला में पहुंचकर विधायक मारू की उपस्थिति में एक दिन का राशन दान किया। इस दौरान गुलाटी परिवार ने कोरोना संक्रमण जांच हेतु चिकित्सालय को 5 थर्मल स्कैनर, भीषण गर्मी के दिनों में लगे ठंडे पानी मिले रामपुर नाके पर एक ओरो मशीन लगाने की घोषणा की। साथ ही पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा दे रहे एनसीसी कैडेट्स को 11,000, नगर सुरक्षा समिति को 15,000 और प्रेस क्लब अध्यक्ष संजय व्यास को अशोक गुलाटी के पुत्र प्रतीक गुलाटी ने पत्रकार प्रोत्साहन राशि स्वरूप 11,000 रुपये की राशि भेंट की है। इस अवसर पर विधायक अनिरुद्ध, माधव मारू, अशोक गुलाटी, दिलीप गुलाटी, प्रकाश गुलाटी, समाज के वरिष्ठ समाजसेवी रमेश गुलाटी आदि लोग उपस्थित थे। गुलाटी परिवार डायलिसिस मशीन कर चुके हैं दान। आपको बता दें कि गुलाटी परिवार मानव सेवार्थ हमेशा आगे आया है। परिवार ने नगर के शासकीय चिकित्सालय में मरीजों को इलाज, अनियंत्रित जगह भटकना नहीं पड़े, करीब 10 लाख रुपए लागत डायलिसिस मशीन दान की है। साथ ही नगर से मुक्तिधाम में हाल ही में लाखों रुपए निर्मित शेड का निर्माण कराया है। धार्मिक नगर है, यहाँ सभी की प्रभु में आस्था है और इसी कृपा वश हम लोग अभी तक बचे हुए हैं। भगवान की कृपा ये रही कि अभी तक यहाँ ऐसे कोई अपने को पॉजिटिव केस नहीं आया और आगे भी प्रभु से प्रार्थना है आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, कि ऐसा कोई पॉजिटिव केस नहीं आए। रात सवाल सेवा का तो हमारे छोटे भाई अशोक हमेशा इस काम में आगे रहते हैं और मेरा तो कहना है कि सावरिया सेठ दे रहा है परिवार को और ये भी परिवार अपने हाथों से दे रहे हैं, भगवान हमेशा देता रहे। और दूसरी बात, जो हमारे विधायक महोदय हैं माधव जी मारू, ये हमारे पड़ोसी भी हैं, तो मैं तो इनसे कहता रहता हूँ कि हमें ये देने की प्रेरणा आदरणीय स्वर्गीय रामेश्वर जी मारू से हमेशा मिली हुई है और उन्हीं के जो प्रेरणा है उसी बलबूते पे हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे वैसे भी पारिवारिक संबंध हैं और किसी परिवार में हमेशा ऐसा सामंजस्य बना हुआ है। इस प्रेरणा से सब बातें मिला के भले ये आज विधायक बने हैं, पारिवारिक रूप से भी इनको आज ये बात कहने का हक जाता है और अब मैं तो सोचता हूँ कि मारू परिवार की तरफ से ही घोषणा है। आपके द्वारा समाज क्षेत्र में वैसे ही कई सराहनीय कार्य किए जाते हैं, आज इसी कड़ी में आपने जो है कोरोना महामारी को लेकर के और पंजाबी समाज की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए आपने जो दान दिया है या जो भी थर्मल स्कैनर मशीन की जो घोषणा आपके द्वारा की गई है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? ये बहुत बड़ी आपदा आई है और हम सब लोगों का फर्ज बनता है जितना भी सहयोग हो सके हम करें और गुरु जी की प्रेरणा एवं स्थानीय लोकप्रिय विधायक श्री माधव मारू जी के कहे अनुसार एवं नगर पालिका CMO श्री नीता जैन, कुछ दिन पहले भी फोन आया था कि नगर में वाटर कूलर नहीं है 3 जगह पर, तो आप एक जगह पर दें। तो 150 लीटर का वाटर कूलर एक रामपुरा नाके के लिए जिसकी लागत लगभग 61,000 रुपये और ये 11,000 रुपये NCC वाले वालों को जो नगर में सेवा कर रहे हैं, 11,000 रुपया अगर नगर जन सेवा वाले और 11,000 रुपये हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए, हालांकि इनका समय बहुत जा रहा है, सेवा भी बहुत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, ये सब कुछ काम है। ईश्वर ऐसी आपदा कभी नहीं आने दे और मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मानसा में ऐसी नहीं आए, इसी कृपा करें ईश्वर से।